देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी और आज सभी का फोकस यही बात पर रहेगा कि बीजेपी की दमदार जीत, जो ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक बार फिर देश के सामने रखी है, इसका मार्केट और इकोनॉमी के लिए क्या मतलब है, क्या मायने है। डायमेंशन कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मुझे याद है इस हफ्ते की शुरुआत में आपसे बात हुई थी जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए और देखिए हूबहू वही परफॉर्मेंस जो एग्जिट पोल्स में दिखाई दिया था वो फाइनल रियलिटी बन गई है। अब यहां से ये बताइए अगले 5 साल कितने ऐतिहासिक रहेंगे भारतीय निवेशकों के लिए, और अगर आपने आज के दिन एक फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना है तो क्या क्या चुनेंगे फिर? देखिए, ऐतिहासिक तो बहुत बड़ी बात हुई है कल कि एक सेकंड गवर्नमेंट को चांस मिला है कि पहले 5 साल में कुछ अच्छी चीजें हुई, कुछ खराब चीजें हुई, और ऐसा इलेक्शन तो बहुत कम मिलेगा देखने में जहां पे कम से कम 10 प्रत्याशी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के एक साथ हार गए हो, तो ऐसा तो बहुत कम मिलता है इलेक्शन के अंदर में। अब जब सब हो चुका है तो अब उसमें चैलेंज ये है कि अब जो जो चीजें हमने सही गलत करी थी, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सी स्टेटमेंट बोली कल की मैं नीयत साफ से गलती कर सकता हूं, मैं उसको लेते हुए हमें ये देखना है कि गलतियां कहां हुई है। गलतियां तो बहुत क्लियरली हुई है कि आज 5 साल की मेजोरिटी गवर्नमेंट के बावजूद भी हमारी कार सेल, ऑटो सेल, कंजम्पशन एक हिस्टोरिक लो पे चल रहे हैं। तो सबसे पहला चैलेंज तो गवर्नमेंट को यही होगा कि जो पैसा जो नहीं पहुंच रहा इंडस्ट्री को, स्मॉल को, मीडियम कैप को, प्रमोटर्स को, वो कैसे पहुंचेगा, सबसे बड़ा चैलेंज यह है। तो जितना भी इकोनॉमिक रिवाइवल आप कर लीजिए, GDP रिवाइवल, अगर पैसा नहीं पहुंचेगा उन लोगों को जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विसेज देते हैं, प्रमोटर हैं, तो कोई इंजन नहीं चल सकता है। तो पहला चीज है लिक्विडिटी कैसे और कितनी जल्दी पहुंच सकती है सिस्टम के अंदर में। दूसरा चैलेंज जो हम देख रहे हैं, मिनिमम जो उन्होंने स्लोगन था पिछले बार का, जो अब की बार आना पड़ेगा, इज मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नेंस एब्सोल्युटली कि मतलब कोई कंपल्शन नहीं, रूल नहीं, कुछ नहीं, वो इतने सारे हो गए हैं कि उसका होल्ड कर रहे हैं। तो उसको देखना पड़ेगा कि उसको रोल बैक कैसे करेंगे, इतने रूल रेगुलेशन जो आए हैं उनको कैसे थमेंगे जिससे कि इंडस्ट्री अपना काम कर सके। चैलेंजेस बहुत है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज जो नई सरकार शुरू हो रही है, ऑयल प्राइसेस कल 5% से ऊपर गिरे हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर में, उसका हमारे बहुत फायदा होगा बिकॉज ये लास्ट टाइम भी इनको बेनिफिट मिला था ऑयल प्राइस का, अब की बार फुल मिल। देखना ये है कि लास्ट टाइम तो वो फायदा चूक गया थोड़ा सा यूज करने में, इस बार उस फायदे से हमको क्या होता है। तो सब चीजें ठीक है, गवर्नमेंट पावर में है, कंटिन्यूटी है, मेजोरिटी गवर्नमेंट है, सब कुछ ठीक है, फर्स्ट क्लास। ऑयल प्राइसेस गिर गए हैं, अब की जो उड़ान है उसमें कोई खलल नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई डीमोनेटाइजेशन डिसीजन नहीं होना चाहिए जिससे कि एक्चुअली इकोनॉमी टेक ऑफ करे। और हम 5 साल पहले बोले कि कार सेल हिस्टोरिक हाईज पे है, कंजम्पशन हिस्टोरिक हाई पे है। मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के MD रजत राजगढ़िया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है CNBC आवाज पर। सर, सब लोग जानना ये चाह रहे हैं कि बाजार में सूचकांकों में सेंसेक्स निफ्टी में तो अच्छी तेजी बनी लेकिन मिड कैप्स अभी भी पीछे हैं, ये आपको लगता है कि अब मिड कैप्स के अच्छे दिन भी आएंगे? जब देश के अच्छे दिन आ रहे हैं तो मिड कैप्स के भी अच्छे दिन आएंगे, और मुझे लगता है कि मार्केट पिछले 6 महीनों में काफी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, अनसर्टेनिटी का माहौल था, और जब भी ऐसा एक इवेंट होता है वो एक बहुत बड़ा फाउंडेशन लेआउट करता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, महीनों में, जैसे जैसे हम लिक्विडिटी बेटर होते देखेंगे, जैसे जैसे हम डिमांड में रिकवरी देखेंगे, मिड कैप में एज अ सेक्टर, एज अ बेस वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड काफ़ी अच्छी कंपनीज है जो यहाँ से काफ़ी अच्छा गेम्स इन्वेस्टर के लिए बना सकती है। ये एक देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि अगले 5 साल में जैसे हमारी इकोनॉमी 2.5 से 5 ट्रिलियन डॉलर बनेगी, काफ़ी मिड कैप्स ग्रो करके लार्ज कैप्स बनेंगे, काफ़ी स्मॉल कैप्स मिड कैप्स बनेंगे, आपको अच्छी कंपनीज, अच्छी मैनेजमेंट्स और ग्रोथ वाले स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले दिन, आने वाले साल बहुत पैसा बनाएंगे। अजय श्रीवास्तव, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ से आगे, क्योंकि लोग अब यही समझना चाहते हैं किन शेयरों में मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं अगले 5 सालों में बढ़िया कमाई के? आपने आई एम श्योर जोर लगाया होगा दिमाग पर और कई नए आइडियाज भी आपको सूझती रहती है, तो इस समय आप क्या पसंद करेंगे लेना?
देखिए लेने में तो बड़ा सिंपल है कि आपको बड़ा देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमारी डिफरेंट राय है कि स्मॉल कैप को तो बिल्कुल नहीं छूना, वैल्यूएशन बहुत अच्छी है लेकिन इनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। और इसलिए सर्वाइवल मुश्किल है कि ना तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट, एक दो मिनट के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों इतना हाई है, एक लिक्विडिटी पे, फंडामेंटल पे नहीं है। स्मॉल कैप के अंदर में कोई लिक्विडिटी नहीं है, कोई एफआई नहीं आती, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं आता है, लोकल मार्केट ही है जो अनिवेश करती है और वो सब इतने बुरी तरह फंसे हुए हैं इन्वेस्टर कि जैसे ही दाम बढ़ेंगे वो सब निकलने की कोशिश करेंगे। तो हमें जो देख रहे हैं अगले 5 साल में जो सेक्टर और जो आगे बढ़ेगा वो फिर भी गवर्नमेंट पॉलिसी पर निर्भर होगा कि अगर लिक्विडिटी की सिचुएशन ऐसी रही अगले 6 से 8 महीने तक और, तो ये स्मॉल कैप सेक्टर तो रहेगा ही नहीं। तो इसमें आप निवेश करेंगे तो आपके पीसीजे देख लीजिए, आरकॉम देख लीजिए, ये हादसे होने वाले हैं अगर आपने फिर आपने स्मॉल कैप में हमारे हिसाब से डाला। हमारी है ये कि 1000 करोड़ से कंपनी ऊपर हो, पहला ट्रैक। नंबर 2 टेस्ट है कि मार्केट में टॉप 3 के अंदर हो तो आप सेफ एंड साउंड है, उसके नीचे अगर जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क लेते हैं। सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो हमें लगती है जो बढ़ेगी रियल एस्टेट और उनसे रिलेटेड कंपनियां, जैसे अपने नाम लेते हैं हेवल नाम लिया या ये केबल कंपनी नाम लिया, उसके अलावा केमिकल्स, बिकॉज चाइना से केमिकल्स अब आना बहुत डिफिकल्ट हो गया, उनका एनवायरमेंट लॉज बहुत टफ हो गए हैं। फिलहाल तो हमारे एनवायरमेंट लॉज इतने टफ नहीं है, अगर होंगे तो शायद हमारा भी बदलेगी, बट केमिकल इंडस्ट्री में इतनी अपॉर्चुनिटी है आज कि बिकॉज चाइना से सप्लाई ऑलमोस्ट खत्म हो रही है और कम होती जाएगी एनवायरमेंट की जगह। सो केमिकल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेक्टर जिसमें कि जो भी रियल एस्टेट सप्लाई करते हैं, ये 2 सेक्टर है जहां पर हमें लगता है कि काफी यहां पर बढ़ेगा। तीसरा है सेकेंड टीयर एनबीएफसीज, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा आरबीआई पॉलिसी चेंज होती है तो सेकेंड टीयर एनबीएफसीज जो 1.2-1.5 है बुक वैल्यू पे, वो। फोर्थ सेक्टर इज मेटल्स, हमारे हिसाब से मेटल सेक्टर के अंदर में और जैसे आप इवन ओएमसी ले लीजिए, इतनी लो वैल्यूएशन पे है कि उस पर रिटर्न हमारे को अच्छी आ सकती है और डिविडेंड भी आ सकता है। तो ये 4 सेक्टर पे हमारी, ऑटो एंसिलरी पे अभी तक हमने शुरू नहीं किया निवेश, बिकॉज हमें देखना है कि ऑटो सेक्टर का रिवाइवल कैसे होगा। एक नंबर 2 कॉम्पिटिशन बहुत है तो उसके अंदर में क्या डिमांड सप्लाई होगी, क्या प्राइसिंग पावर होगी, ये देखना पड़ेगा। तो ऑटो को हमने खासकर अभी अलग रखा हुआ है, फार्मा को बिल्कुल नहीं छूना हमने बिकॉज गवर्नमेंट ने प्राइसेस कम करनी है ड्रग्स की, यहां भी अमेरिका में भी, तो वो सेक्टर एक तकलीफ में रहेगा। तो 2 सेक्टर को अभी हमने साइड में रखा है इवैल्यूएट करने के लिए। और टॉप आईटी नेम्स को आप फिर ले लीजिए, 5 साल बाद इससे अच्छी रिटर्न कहीं नहीं मिलेगी आपको। बात है तो ये तमाम सेक्टर्स हैं जिस पर नजर आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आज जुड़ने के लिए। रजत जी धन्यवाद जी। आगे आपकी राह कैसी रहेगी, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिस पर आपकी नजर होगी ये बताइए, क्योंकि सब कह रहे हैं आरबीआई पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट की मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी, जुलाई में बजट आएगा, कौन कौन से इवेंट्स हैं जहां पर आप फोकस करेंगे? रजत जी को शायद आवाज हमारी पहुंच रही है, रजत जी के पास लौटेंगे जरूर। लेकिन हेमंत आज देखिए दुनिया भर के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में साफ कहा कि उनके साथ बड़ा काम आगे करना है और दीपाली ने इनफैक्ट एक ट्वीट मैप बना लिया है कि कौन से वो इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने बधाई दी और क्या क्या कहा है, उम्मीदें क्या है अब मोदी 2.0 से। दीपाली बताइए सबसे पहले कॉर्पोरेट्स और ये डोनाल्ड ट्रंप क्या उम्मीद लगा बैठे हैं? बिल्कुल, देश भर के बाद विदेशों से भी ढेरों बधाइयां पीएम मोदी को मिली हैं, ग्लोबल लीडर्स ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कि पीएम मोदी जो सत्ता में वापस लौटे हैं उसके बाद वो कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम हैं जिस पर कामकाज करेंगे और आगे इंडिया यूएस की जो रिलेशनशिप है वो और भी स्ट्रांग होगी, तो कॉन्ग्रेचुलेट करते डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। कॉर्पोरेट इंडिया भी बेहद खुश है, आनंद महिंद्रा ने इनफैक्ट सबसे पहले कल ट्वीट किया तमाम कॉर्पोरेट्स में, उसमें उन्होंने कहा है कि अपनी आंखों के सामने उन्होंने एक टर्निंग पॉइंट देखा हिस्ट्री में जहां पर 2 पावर ब्लॉक्स उभरे हैं, एक तो युवा और दूसरा महिला वोटर, और ये दोनों मिलकर शेप करेंगे इंडिया के फ्यूचर को। साथ ही उन्होंने कंग्रेचुलेट कर तो ये भी कहा है कि एक शक्तिशाली जनादेश अब पीएम मोदी के पास है और एक नए भारत का यहां से निर्माण होगा और वो अगले जो 100 दिन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीएम मोदी को। उदय कोटक ने भी कहा है कि ये समय है इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन का, समय है डीप रिफॉर्म्स का और वो अपनी आंखों के सामने अपने इस लाइफ टाइम में इंडिया को एक सुपर पावर बनते हुए देखना चाहते हैं, कंग्रेचुलेट करते उन्होंने भी ये कहा। अनिल अग्रवाल ने भी कहा है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है, उन
लोगों को बधाइयां दी हैं जिन्होंने इस डेवलपमेंट के लिए वोट किया है और ये कहा है कि जो अगले 5 साल होंगे वो बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेंगे इंडिया के लिए। हर्ष गोयनका ने इनफैक्ट ट्वीट करके काफी सारे उन्होंने इनफैक्ट ट्वीट किया, एक इंपॉर्टेंट ट्वीट जिन्होंने कहा कि अब मोदी 2.0 को करना क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए जॉब क्रिएशन पर फोकस करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट क्रेडिबिलिटी पर फोकस करना चाहिए, एग्री रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा, इन दोनों पर काफी थ्रस्ट अब सरकार का होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट इंडिया खुश भी काफी और काफी कुछ एक्सपेक्ट भी कर रही है अगले 5 सालों में। बाजार के जो दिग्गज जानकार हैं उन्होंने भी कई ट्वीट्स किए, आपने कौन से खास तौर पर पढ़े और बताना चाहेंगी? राजेश शाह की ओर से ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि यहां से अब एक्साइटिंग फेस इंडिया का शुरू होगा, अब कुछ बड़े रिफॉर्म्स आगे बढ़ेंगे, वो एक नए रिफॉर्म की इनिंग यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी, ये वो उम्मीद जता रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने भी कहा है कि ये एक नई शुरुआत देश के लिए नहीं है बल्कि मार्केट्स के लिए भी है, यहां से मार्केट्स काफी स्ट्रांग रहेंगे और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अब वो इंडिया को यहां से सुपर पावर बनते हुए देख रहे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा। सुनील सिंघाना ने भी यहां पर ट्वीट किया है, उन्होंने भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी है, उन्होंने कहा है कि अब आने वाले समय में सरकार को कहां पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लिक्विडिटी पुश पर उनका खास ध्यान रहना चाहिए, रियल एस्टेट सेक्टर को इम्प्रोवाइज करने के लिए जीएसटी रैशनलाइजेशन बहुत जरूरी है, कुछ और मेजर्स लेने की जरूरत है रियल एस्टेट सेक्टर को पुश देने के लिए, साथ ही जॉब क्रिएशन और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने पर भी खास ध्यान देना चाहिए और लेबर रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए। तो ये कुछ ट्वीट्स यहां पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ओर से भी, तो इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन आनंद आठी जी के डीलिंग रूम में भी आप जाने वाली हैं कुछ ही देर में। बिल्कुल 10 बजे डीलिंग चेक लेकर आएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि एक डी डे तो निकल गया लेकिन अब जो अगले डी डेज शुरू होंगे रिटर्न्स के उसको लेकर ट्रेडर्स कैसे गियर्ड अप और हाउसेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका पूरा हाल लेकर आएंगे। जी हाँ, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी 10 के दमदार ट्रेड्स में। दीपाली फिर से हमारे साथ जुड़ेंगी और वो जुड़ेंगी आनंद राठी के डीलिंग रूम से, तो ये भी जरूर देखिएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजत राजगढ़िया साहब। जी हाँ, जुड़ चुके हैं रजत साहब, बताइए अब व्हाट नेक्स्ट, बाजार कहाँ कहाँ फोकस करेगा, कौन कौन से इवेंट्स पर आपकी नजर है? देखिए, बाजार 3 चीजों पे फोकस करेगा। सबसे पहला तो ये जो न्यू कैबिनेट बनेगी उसमें कौन से नए चेहरे, कौन से नए डेजिग्नेशंस या मिनिस्ट्रीज चेंज होगी, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज हर मिनिस्ट्री में जो भी मिनिस्टर आता है उसका एक अलग पहलू तरीका होता है उस मिनिस्ट्री को रन करने का, जो हमने पास्ट में भी देखा है, एंड शायद अगले 3 से 7 दिन के अंदर इस पर क्लैरिटी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट मार्केट का ट्रिगर बजट होगा एंड मुझे लगता है ये बजट काफी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज जिस हिसाब का हमने पिछले 6 महीनों में कंजम्पशन स्लोडाउन देखा है, ये बजट उसको डेफिनेटली एड्रेस करने की कोशिश करेगा। लास्ट बजट जबकि एक इंटरिम बजट था उसने कुछ टॉपिक्स को टच बेस किया था, बट ये बजट एक फुल ब्लोन बजट होगा। एंड तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मार्केट के लिए है वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जिस हिसाब जितना हाई हमारा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आज चल रहा है उस रेट पे इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आ सकती है। गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों को स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हमारे रेट्स कम हो, हमारी लिक्विडिटी बेटर हो। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगा एट अ गुड रेट, आपके लिए बोथ इन द कंजम्पशन एंड इन द कैपिटल साइकिल नया पैसा लगाना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है ये 3 चीजें एटलीस्ट मार्केट अगले 1 हफ्ते से 2 महीने तक फोकस करेगा। उसके अलावा एक बार हम इन इवेंट्स के बाहर निकल जाएंगे तो फिर फोकस अगेन कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर आ जाएगा, जहां जहां पर हमको ग्रोथ दिखाई, ये मार्केट घूम फिर करके फिर ग्रोथ पे फोकस करेगा। बिकॉज जैसा आपके बाकी के एक्सपर्ट्स लोगों ने भी कहा है, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन में हम काफी सस्ते हैं, बट अगर हमारी ग्रोथ रिकवर होगी तो इन्वेस्टर्स हाई वैल्यूएशंस को भी रेस्पेक्ट करके मार्केट में और पैसा डालेंगे। रजत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर ये तमाम ओपिनियन सामने रखने के लिए, यानी कि बहुत काम आगे करना है मोदी 2.0 को और बाजार इसी पर ज्यादा फोकस करना चाहेगा कि यहां से नई अचीवमेंट्स क्या रहेगी और उसी लिहाज से फिर रिवॉर्ड भी मिलेगा निवेशकों को। चलिए अब आज का ट्रेड सेटअप क्या है, अगले 5 साल की बात होगी लेकिन आज के मौके कहां है। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ गए, उनको जोड़ लेते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए क्या निकाला, क्या करेंगे?